गत दिवस फरीदकोट के कोटकपूरा शहर में शेर पंजाब गन हाउस में हुई चोरी के मामले को हल करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को काबू कर लिया है। ज्ञात रहे कि गन हाउस में हुई ये चोरी की वारदात गन हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी, जिसे आरोपियों द्वारा जला दिया गया था और पुलिस ने हार्ड डिस्क को जली हुई हालत में बरामद कर मामला दर्ज कर स्पेशल टीम बनाकर अपनी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने पारस गैंग के दो आरोपियों को काबू कर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और उक्त गैंग पंजाबी गायक यूयो हनी सिंह को किडनैप करने की साजिश भी कर रहा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 14 विदेशी रिवॉल्वर भी बरामद किए हैं। वहीं आईजी पुलिस बठिंडा जोन परमराज सिंह कुमार नंगल ने बताया कि गन हाउस की चोरी का मुख्य सरगना गुरबख्श सिंह है, जो कि जैतों का रहने वाला है, और उसके अन्य साथी जो कि दोहरे हत्याकांड में भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 अक्टूबर की दरमियानी रात को शेरे पंजाब गन हाउस कोटकपुरा विखे पाड़ लागे कोई नामालूम व्यक्ति भारी मात्रा में असला मनीशन चोरी करके लै गए सन। उस तफतीश के संबंध में करीब 2 हफ्ते पहला पुलिस नूं एक गैंग की सूचना मिली, जिन्हां दे विच एक दिल्ली का बदमाश गैंग है पारस और उहदा एक सब ग्रुप जिहड़ा कि कोटकपुरे नाल संबंधित सीगा परमपाल सिंह पाला वासी सूरकुरी थाना सदर कोटकपुरा, एक रिंका बराड़ परमपाल सिंह पाला बराड़ और उहदे नाल एक साथी सी रोमा वासी कोटकपुरा, इन्हों अरैसट किया, जिन्हों तो असी करीब 14 इंपोर्टेड पिस्टल रिकवर किए ने, जिहड़े कि इलीगल समगल हो के इंडिया आउंदे सी और जिन्हों के जाली लाइसेंस बना के ये आम लोगों 20 तो 25 लाख की कीमत तक ये बेचते रहे।